एक दफ़ो बीहर टॉप स्टोरी में अवे भलीकार चुंदी नासरीन इन बुलेटिन का पैरी अस ाली पे तो अयाज़ लतीफ पली जो कॉन्फ्रेंस में यो शरीन जोखियो के कैद किया वो है पैया उ काफ़ी वोकल हुई उन मंजरियाब तई उन गायब किया वो है। बकौल अयाज़ लतीफ पली जो उन्होंने यो चवण है तो अफजल जोखियो के मैनेज किया वो शीरी जोखियो पान केस विढ़ चाहे थी। उन्होंने यो चवण हो तो जैसे शीरी जोखियो पान केस विढ़े तो काफ़ी अड़ा केस में नवा मोड़ अची सक शीरी जोखियो जैं का यो वाक्य थो शीरी जोखियो पान पैं मुड़स जो जो केस है वो मीडिया तई आंदो हर मानू के ब्रीफिंग दिनी हर मानू के बुधा तो ये थो ये थो इन में केर केर मुलविस इन वक्त अस ाली वकील मोहम्मद खान शेख जे फ्री में इन केस के लीड कर रहा हुआ वकील मोहम्मद खान शेख साहब इन वक्त असें ज्वाइन कर चुका है। मोहम्मद खान शेख साहब वही मेहरबानी अवां वक्त दिनों आवाज़ अचे पे पे अवां यो बुधाजो। हाँ हाँ बिल्कुल अचे मोहम्मद खान शेख साहब अयाज़ लतीफ अली जो कॉन्फ्रेंस में ालींदे यो इंकशाफ किया है तो शीरी जोखियो छाकाण मंजर आम त गायब है उन पैर काफ़ी मीडिया के ब्रीफ किया तमाम सुठे तरीके से पैं केस जो है वो मंजर आम ते आंदो हाँ वह खामोश छो है वह मंजर आम त गायब छो है उनको यो चवण है तो शायद शीरी जोखियो के कैद किया वो है उनके जो मोबाइल हों वो भी वापस वरत वो है वाकई ये है या अवं तई का अड़ी जान पौती है यह जान ना है बाकी अती मूस रबते में हुई हाँ ये रबते में ना है। जी, जी हाँ बिल्कुल या हकीकत है तो हाँ ये रबते में ना है आम भी शहर का बाहर वेल हुस तो आगे मूसा अती चो तो इंदम बीहंदम केस में पर वो ही न सकी मोहम्मद खान शेख साहब थोड़ा अवां के बैकग्राउंड बुधाए वेठा अयाज़ लतीफ अली जो असमत जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इन केस के उजागर किया उन्होंने यो चवण हो तो शीरीन जोखियो के कैद किया वो है उन जैसे ये रिमार्क्स ना उन कॉन्फ्रेंस में अस हाँ कुछ देर पैर अयाज़ लतीफ अली जो साहब से ऐसी उन्होंने यो चवण है तो शीरीन जोखियो छाकाण पे काफ़ी वोकल हुई उन्होंने इन केस के मंजर आम ते आंदो ये तमाम सुठे तरीके से उन ब्रीफ किया है मीडिया के नुमाइंदन से जड़े तरीके से उन गाल बोल कई सोशल मीडिया से उनको जो गालन वे पन उन जी इन केस में मोड़ अचे तो अफजल जोखियो जो है उन बयान 104 जो उन शीरी जोखियो जो है वह मंजर आम तई गायब है उनको यो चवण है तो शायद शीरी जोखियो के कैद किया वो है या उनके घर तई महदूद किया वो है लगे तो इन ही छो तो हे भा सरदार जो प्रेशर एडी वही गाल ही बेचारा गरीब मानू छा कर सकंदा तो असा यो तो समझो हे शायद मजबूर है इनके कान का शे थी है जो वो अदी माना मूसा फुल राबते में हुई कि भी भा ता मुझे केस मिली जो असा जो तार वो असा दा बियो तो असा केस के बाकायदा बणंदास मगर उनका पो उनके को राबते न छ नई फैमिली मेंबर के जिके माने ब्या भी रबते में हुआ तो था केस बदलना जी उनन मां के जो रबतो ना है सो सो तो दिए है इंपॉर्टेंट इन माना चालान अन्य पेश न थियो आ आई के जो जमानत तो चेंज कयो के जो प्रोटेक्टिव बेल थी ली सो जिके हन टाइम के जिके अदी न थी रबतो करे तो पो छा समझे दे तो पो मता अयाज लतीफ पली जी गाल सही हो जे तो उनकी कैद के वे हो जे सही एक सिर्फ काल पॉसिबल ता है मकसद कैद छा वो पाने घर में ही बंद कर रखी से सजन था तबा ना निकलो मोबाइल ते ना गलानो कैसा भी टच में ना छनो पर तेरा अदी मूसा राप्तो कयो पाए अच्छा 164 जे बयान का पोए अवां सा गाल बोल थी शीरी जो क्यों सा जी जी 164 जे बयान का पोई गाल बोल थी है पहला मुजी कोन थी हुई कदे गाल बोल 164 जे बयान का पो थी है तो उनका पो वरी देखो वो अदी 104 जे बयान का पो तो मीडिया में भी आई हुई उन जब मीडिया में भी बयान देने लन तो मां मुझे मुर्शिद जो कातिल के रहे उन सिद्ध वाजे कहे हुए सही पर जरे मना एडी वडी गाल थी वने तो पो वरी पूरा तो कोई न छवा ठीक है वही मेहरबानी मोहम्मद खान शेख साहब अवां असां के टाइम दिनो नासिन शहीद नाज़िम जोखियो जो केस है वो अदालत में हलंदड़ है इन केस के पैर लीड कर रहा हुआ मोहम्मद खान शेख साहब उन इन फ्री में यो केस जो है वो विढ़ो अफजल जोखियो भी असा गाले उन यो चवण हो तो अड़ी का भी गाल ना है जे आई टी जी टीम है वह शीरी जोखियो का बयान वी उन शीरी जोखियो है वह मीडिया से गाल